नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं अहमद पटेल से। अहमद पटेल भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार कहे जाते थे, सिपह सलाहकार कहे जाते थे। और आज अहमद पटेल को लेकर उनकी बेटी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल जो उनके पिताजी थे वो एक स्टेट मैन थे, यानी कि जिस हिसाब से पार्टी की वो नीतियों को बताते थे, पार्टी की रणनीतियों को बनाते थे, ये बताता है कि अहमद पटेल काफी हद तक कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित थे। अहमद पटेल एक ऐसे रणनीतिकार थे जिनके आदेश के अनुसार सोनिया गांधी काम करती थी, जिनके आदेश के अनुसार सोनिया गांधी चुनावों में रणनीतियां बनाया करती थी। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि अहमद पटेल ने काफी हद तक स्थितियों को संभाल रखा था, कांग्रेस पार्टी को संभाल रखा था। अब हम आपको बताएंगे कि अहमद पटेल की जरूरत इस वक्त कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ रही है। दरअसल मौजूदा समय में देखने को ये मिल रहा है कि अहमद पटेल जैसे सिपह सलाहकार रणनीतिकार कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास ऐसे रणनीतिकार नहीं है जिनका सहारा लेकर सोनिया गांधी आगे बढ़ सके। गौर करने वाली बात तो ये है कि सोनिया गांधी आने वाले समय के चुनाव पर पूरी तरह ध्यान बनाए हुए हैं। सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए, चुनाव में जीत हासिल कैसे की जाए। लेकिन काफी हद तक स्थितियां बहुत अलग हो चुकी है। बहुत हद तक देखा जा रहा है कि अहमद पटेल की कमी अब कांग्रेस पार्टी को खलने लगी। इसी वजह से प्रशांत किशोर को पार्टी में जगह दी जा रही थी। आने वाला समय चुनावों से भरा हुआ है। आने वाले समय में रणनीति कौन बनाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, चुनाव में काम कौन करेगा, कौन कैसे कैंडिडेट खड़ा करना है, किस हिसाब से खड़ा करना है, ये बताने वाला पार्टी में एक बड़ा लीडर होता है, एक सलाहकार होता है। लेकिन वो सलाहकार शायद कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल खबर तो पूरी नहीं है, लेकिन खबर ये जरूर है कि पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस पार्टी को कोई समर्थन दे रहा है। कोई रणनीतिकार ऐसा तो है जो कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े हद तक पीछे से समर्थन दे रहा है और ये बता रहा है कि कैसी रणनीतियों को बनाना चाहिए और किन नियमों के तहत काम करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी में कई युवाओं को जगह दी गई, कांग्रेस पार्टी में कई युवा चेहरों को शामिल किया गया। और तो और अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का इतना एक्टिव होना, प्रियंका गांधी का चुनाव को लेकर इतना फोकस दिखाना, प्रियंका गांधी का काफी हद तक कैंडिडेट उतारना, ये बताता है कि ये काम प्रियंका अकेले नहीं कर रही है। प्रियंका के साथ कोई तो है जो उनकी मदद कर रहा है, प्रियंका के साथ कोई तो जुड़ा हुआ है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलने में लगा हुआ है। हालांकि कहा जाए तो ऐसा कुछ प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर प्रशांत किशोर बड़ी रणनीतियां बना रहे हैं। पर्दे के पीछे रहकर प्रशांत किशोर काफी हद तक चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी औपचारिक तरीके से ये फाइनल नहीं हो पाया क्या ये प्रशांत किशोर ही है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलती है तो ये माना जाएगा कि प्रियंका गांधी के पीछे किसी बड़े चेहरे का हाथ था, कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी मदद कर रहा है कोई रणनीतिकार। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद भी नहीं भरा गया है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद भरने को लेकर भी तमाम तरह से काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश करती नजर आ रही है कि किसी भी तरह से अध्यक्ष पद को भरा जाए। तो वहीं उन्हें एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार की भी जरूरत है जो चुनाव के समय उनके लिए काम करे, जो चुनाव के समय उनके लिए नई नीतियां बनाए, नई रणनीतियां बनाए। लेकिन काफी हद तक यहाँ पर दिख रहा है कि प्रियंका गांधी को बहुत बड़ी मजबूती मिल रही है, सोनिया गांधी भी बहुत कुछ छिपाती दिखाई दे रही है। तभी तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की तरफ से लिया गया फैसला चरणजीत सिंह चन्नी पर, ये केवल राहुल गांधी फैसला नहीं ले सकते। तो ऐसे तमाम तरह के सियासी यहाँ पर स्थितियां बन रही है, तमाम तरह के हालात इस तरह की ओर इशारा कर रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहा है, पार्टी में जो नई नीतियां बदली जा रही हैं, पार्टी में जो नई रणनीतियां बदली जा रही हैं, ये काफी हद तक बहुत बड़े सलाहकार की मदद से होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में क्या उस सलाहकार का नाम पूरी तरह से कांग्रेस सामने लाकर रख देगी, क्या आने वाले समय में उस सलाहकार को कांग्रेस पूरी तरह जनता के सामने दिखाएगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आने वाले समय के चुनावों को ध्यान में रखते हुए
कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है इससे बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी नेताओं को डर इस बात का लग रहा है कि कहीं कांग्रेस उनका सफाया ना कर दे। दरअसल देश की जनता भी मोदी सरकार से नाराज है और जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और कांग्रेस जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता का समर्थन लिया जाए। कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को अपने साथ जोड़ा जाए। कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के मुताबिक काम किया जाए और वही होता नजर आ रहा है। जिस हिसाब से जनता के अनुसार काम किया जा रहा है, जनता के मुताबिक काम किया जा रहा है, काफी हद तक ये तो बताता है कि वाकई में आने वाले समय की जो स्थितियां हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस को आगे मजबूती मिल सकती है। कांग्रेस के लिए राह आसान दिखती नजर आ रही है। जो दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत युवा हैं जो ये मानते हैं कि कांग्रेस आएगी तो देश का विकास होगा। अभी हाल ही में कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए तो कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होते हुए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बड़ा बयान ये दिया था कि कांग्रेस देश का उद्धार करेगी, हमें कांग्रेस के साथ जुड़ना है, कांग्रेस को युवाओं के साथ जुड़ना है और युवा अगर अपने भविष्य को बचाना चाहता है, युवा अपने सपनों को बचाना चाहता है तो उसे कांग्रेस को मौका देना ही चाहिए। और देश की जनता भी तो यही देख रही है कि कांग्रेस को मौका दिया क्यों ना जाए, क्योंकि हमने कांग्रेस का राज भी देखा है, हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से जो स्थितियां थी वो काफी अच्छी थी। कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से जनता काफी हद तक खुश भी नजर आती थी, लेकिन मोदी राज में काफी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल की अगर बात कर लेते हैं तो युवाओं की फौज कांग्रेस पार्टी जिस तरह तैयार कर रही है ये बताता है कि यही फौज आगामी समय में बहुत बड़े कदम उठाती नजर आएगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को नई दिशा मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को नई मजबूती मिल रही है और यही सारी जो मजबूतियां हैं ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो जिस हिसाब से अचानक अहमद पटेल का नाम सामने आया और अहमद पटेल की बेटी ने अहमद पटेल अपने पिता को लेकर जो बयान दिया ये बताता है कि वो ये बताना चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर अहमद पटेल ने कितनी पार्टी की सेवा की और कितना उन्होंने काम किया। तो फिलहाल अहमद पटेल की क्या अहमियत है ये सोनिया गांधी जानती हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं और प्रियंका गांधी भी कि क्या खासियत रखते थे अहमद पटेल। गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे अहमद पटेल। वो बात अलग है कि अहमद पटेल की रणनीतियां कुछ समय में थोड़ा सा विफल होती साबित हुई, लेकिन पहले अहमद पटेल ने जो रणनीतियां बनाई थी वो तमाम रणनीतियां सही साबित हुई, वो तमाम रणनीतियां सही उतरी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खास तौर पर अहमद पटेल ने ये दिखाने की कोशिश भी की थी कि वो कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। पार्टी काफी हद तक आगे भी चली, यही वजह रही कि पार्टी ने सत्ता में राज भी किया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को दो कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी, एक तो अध्यक्ष पद को लेकर और चुनावी रणनीतिकार को लेकर कांग्रेस पार्टी को ये काम जरूर करना चाहिए कि पार्टी में नया अध्यक्ष कौन जो है जिम्मेदारी को संभालेगा वो उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस हिसाब से रणनीतिकार की बात कर रहे हैं तो रणनीतिकार कौन होगा इस पर भी काम किया जाना चाहिए। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये खुलकर सामने आ रहे हैं, ये तमाम बातें ऐसे हैं जो खुलकर दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। मौजूदा स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन तो मिल रहा है, कोई बड़ा चेहरा तो ऐसा है, कोई रणनीतिकार ऐसा तो है जो समर्थन कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर ये बताना कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस काफी अच्छे हद तक काम करती नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें बताता है कि प्रियंका गांधी की पकड़ मजबूत हुई है, कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस कोई करिश्मा कर जाती है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई बड़ी नीति अपनाती है तो इससे साफ पता चल जाएगा कि वाकई में आने वाला जो समय है वो बहुत हद तक कांग्रेस के लिए ही दिखता नजर आ रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ बदलना और महंगाई और तमाम चीजों से मोदी सरकार से जनता का नाराज होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पार्टी को मजबूत करने का काम
जो किया जा रहा है, युवा चेहरों को जो जगह दी जा रही है पार्टी में, इसका खास तौर पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट पर बड़ा दांव कांग्रेस खेलती है, राजस्थान में सचिन पायलट पर बड़ा दांव लगाया जाता है, तो उसका फर्क आने वाले समय के चुनावों पर भी पड़ेगा। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हाथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको वो करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर इन काम को करके उन्हें बड़ा फायदा मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो समय है वो बहुत बड़े हद तक ये दिखाता नजर भी आएगा कि कांग्रेस की नीतियां वाकई में काम कर रही हैं, कांग्रेस की रणनीतियां वाकई में काम करती नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो फिलहाल जिस हिसाब से स्थितियां बन रही हैं वो ये है कि अहमद पटेल की जगह प्रशांत किशोर ले सकते हैं। अहमद पटेल की जगह प्रशांत किशोर लेते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा, पार्टी काफी हद तक आगे दिखती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार। Wow.